सोलन के बद्दी में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बद्दी में दो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है। महिला बद्दी के होटल में क्वारंटीन थी तो पुरुष घर में क्वारंटीन किया गया था। ये दोनों बाहरी राज्यों से बद्दी आए थे, जिसके चलते इन्हें नियमानुसार क्वारंटीन किया गया था। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि जिला सोलन कोरोना संक्रमण को लेकर बेहद संवेदनशील हो चुका है। स्थिति में केवल सावधानी से ही संक्रमण से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि कोरोना से संक्रमित महिला 13 जून को बद्दी आई थी, जिसे होटल में क्वारंटीन किया गया था। वहीं कोरोना संक्रमित युवक 10 जून को यूपी से बद्दी आया था, जिसे होम क्वारंटीन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने इनके सैंपल लिए थे, जिसमें ये दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने बताया कि सोलन में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बेहद बढ़ चुका है। अगर समय रहते अभी भी नियमों को नहीं अपनाया गया तो उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए हमें जितना संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, तभी हम संक्रमण से बच सकते हैं। अभी तक हमारे पास आज की डेट में 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं। टोटल हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट के इस समय 61 टोटल केसेस हो चुके हैं, और ये जो 2 केसेस आज पॉजिटिव आए हैं ये बद्दी में आए हैं। बद्दी में दोनों ही ये होम क्वारंटाइन में थे। इनकी बाहर की स्टेट से हिमाचल में आने की हिस्ट्री है, और तब से इसी करके इनको होम क्वारंटाइन रखा गया था, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखा गया था जी। देखो अभी कुछ टाइम तक तो क्यों, हम जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, पहले ही पिछले 2 दिन में हमारे पास 21 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत हमारे को ज़्यादा नंबर तो मिलने की आशा है कि और भी केसेस बढ़ सकते हैं। मगर लोगों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो होम क्वारंटाइन होते हैं तो होम क्वारंटाइन को प्रॉपरली मेंटेन करें, अपना जो गाइडलाइंस है उसके साथ चले। अगर वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होते हैं तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की वो गाइडलाइंस को मेंटेन करके चले वहाँ पर। सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे तो हम केसेस को नहीं डिक्रीज कर सकते। एक भी केस अगर आता है और वो भीड़ वाले एरिया में रहेगा जाएगा तो बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो सबसे बड़ा जो हमारा एक ही रहेगा, हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। नंबर 2, अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर से आ रहे हैं, हैंड वॉशिंग के ऊपर, हैंड सैनिटाइजर के ऊपर, हमारे को मास्क का, इन सब का ध्यान रखना। इस समय हमारे यहाँ पर केसेस बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस समय अगर हम सतर्कता नहीं बरतेंगे तो हम आगे के लिए हमारी हालत ठीक नहीं रहेगी। हमारे को मेंटेन करना है, हमारे को बचना है, केसेस से बचना है, हमारे को इन्फेक्शन से बचना है, और हमारे को दूसरों को भी इन्फेक्शन से बचाना है।